good morning students today we will know about agriculture that is your chapter number 4 from your geography book students we will we live in india and india is basically a agricultural country where the production is too much production of food grains and so many types of crops and today we will discuss about agriculture so what is agriculture द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल रेजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक साइंस एंड आर्ट उस तरीके को उस साइंस को उस टेक्निक को उस कला को हम कहते हैं एग्रीकल्चर जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं कल्टीवेशन मतलब कोई भी चीज उगाते हैं ठीक है मिट्टी में हम जब क्रॉप्स उगाते हैं किसी भी तरह की तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं एग्रीकल्चर आई रिपीट उस तरीके को उस कला को उस साइंस को जिन तरीकों से हम मिट्टी में प्रोडक्शन करते हैं कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की दैट स्टाइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर फार्म सिस्टम फार्म सिस्टम में वही चीज़ है कि आप इनपुट डालोगे इनपुट क्या है आपके सीड्स हम इनपुट डाल रहे हैं और हमें उसके बहुत सारे मेथड्स के उसमें प्रोसेसिस कर प्रोसेसिंग करते हैं जैसे हल चलाते हैं हम बीज बोते हैं उसमें पानी डालते हैं बहुत सारे मैथड्स यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है आउटपुट आउटपुट क्या है हमारा क्रॉप्स फार्म सिस्टम को क्या कहते हैं सबसे पहले आप इनपुट डालते हो इनपुट क्या है आपके सीड्स और उससे क्या मिलता है आपको आउटपुट आउटपुट क्या है क्रॉप्स थ्रो सो मैनी टाइप्स ऑफ वेरियस मैथड या प्रोसेसिंग जो आप उसमें यूज करते हो उसको यूज करके आपको बहुत सारे आउटपुट्स मिलते हैं यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग की आगे सब टाइप्स हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस प्रेमिटिव सबसिस्टेंस एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड सेकेंड वन इज कमर्शल फार्मिंग थर्ड वन इज मिक्सड फार्मिंग एंड फोर्थ वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर टूडे वी विल डिस्कस अबाउट सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसिसटेंस फार्मिंग की जो फॉर्म्स हैं बच्चे दैट इज दैट फार्मिंग इज बेसिकली फॉर ओन कंजशन नॉट फॉर मार्केट नॉट फॉर सेल सिम्पली फॉर फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सिंपल मीनिंग यही है कि इसमें जो प्रोडक्शन फार्मर करता है वो उसकी अपनी कंजम्पशन के लिए होती है वो खुद ही कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग सेकेंड है इंटेंसिव सबेंस फार्मिंग इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का यही मतलब है बहुत थोड़ी जगह पर स्मॉलर बहुत थोड़ी जगह पर इसमें प्रोडक्शन की जाती है और उस थोड़ी जगह पर उतनी ही प्रोडक्शन होती है सर्वाइवल जो उसे अपने सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है उतनी उसकी जरूरत पूरी होती है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव सब सबसिस्टेंस फार्म एग्रीकल्चर थर्ड है प्रिमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ऑलमोस्ट ऑल प्रोड्यूस गोज टू फीड एंड सपोर्ट द हाउस होल्ड नॉट फॉर सेल वही चीज़ मैं आपको जो बोल रही हूँ कि यहाँ पर सेल के लिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उनकी अपनी कंसम्पन के लिए हो रहा है और उसमें जितनी प्रोडक्शन होती है वो अपनी फैमिली के लिए यूज करता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर में नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये है कि आप एक खेत में प्रोडक्शन कर रहे हो और उस खेत की फर्टिलिटी कम होने के बाद आप उसे शिफ्ट कर जाते हो किसी और खेत में किसी और फार्म पे चले जाते हो उस जगह को चेंज कर लेते हो उससे शिफ्ट कर जाते हो उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप एक पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन करते हो जब उसकी फर्टिलिटी कम होती है होती चली जाती है तो आप उससे उससे शिफ्ट कर जाते हो किसी और लैंड पे सेकेंड टाइप है इसकी नोमैडिक हर्डिंग नोमैडिक हर्डिंग आपने सुना होगा जो लोग अपने फूड फॉर्डर या एनिमल्स के लिए जो भी उनको चाहिए होता है उनकी जरूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर थोड़ी देर बाद शिफ्ट कर जाते हैं उनको नोमैडिक हर्डर्स कहते हैं जैसे आपने कहीं देखे होंगे बकरियां चराने वाले भैंस चराने वाले ये लोग क्या करते हैं अपने जानवरों को लेकर कहीं भी चले जाते हैं और उनको घास वगैरह चराते हैं तो जहां पर फॉटर खत्म हो जाता है फिर ये वहां से मूव ऑन हो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं और कहीं चले जाते हैं तो इन लोगों को क्या कहा जाता है बेसिकली नोमैडिक हर्डर्स ओके बच्चे हमने पढ़ा व्हाट इज एग्रीकल्चर व्हाट इज फार्म शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन नोमैडिक हर्डिंग प्रिमिटिव सबसे फार्मिंग एंड उसके टाइप्स ओके okay, बच्चे आज इतना ही एंड वी विल मीट इन सेकेंड वीडियो ओके थैंक यू